दोस्तों, अगर आपने बॉलीवुड की सुपर ड्यूपर हिट फिल्म कभी खुशी कभी गम मूवी देखी होगी तो आपको शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर और ऋतिक रोशन के अलावा फिल्म में ऋतिक रोशन के बचपन का किरदार निभाने वाले गोलू मोलू लड्डू यानी रोहन तो जरूर याद होंगे, जिन्होंने फिल्म में अपने चुलबुले अंदाज से सभी को हंसा हंसा कर लुटपुट कर दिया था, इसलिए तो आज भी इन्हें खूब याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज कभी खुशी कभी गम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए तकरीबन 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर क्या आप जानते हैं इस फिल्म में लड्डू का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट आज कहाँ है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? तो अगर आप भी इन सभी सवालों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही अपने प्यारे लड्डू यानी कि रोहन के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2000 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म कभी खुशी कभी गम में लड्डू का किरदार निभाने वाले नन्हे बच्चे का असली नाम कविश मजुमदार है, जिनका जन्म मुंबई में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई यहीं से कंप्लीट हुई थी। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो इन्हें बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी। इन्होंने स्कूलिंग टाइम में ही छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, इसलिए तो जब इन्हें पता चला कि मुंबई में फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए ऑडिशन चल रहा है तो इन्होंने ऑडिशन दिया और इनका सिलेक्शन हो गया। इस तरह से इन्होंने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म में कभी खुशी कभी गम में लड्डू का किरदार निभाने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इनके आगे कई फिल्मों के ऑफर आए, पर इन्होंने सभी फिल्मों को ठुकराते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। लेकिन आपको बता दें, फिल्म में लड्डू का किरदार निभाकर फेमस हुए बाल कलाकार कविश मजुमदार इन बीते 20 सालों में काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जी हां, आज ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा हैंडसम और काफी बड़े नजर आते हैं। जहां आप सभी ने फिल्म में इन्हें गोलू मोलू और मासूम भरे किरदार में देखा होगा, तो वहीं गोलू मोलू दिखने वाले कविश आज काफी फिट एंड चार्मिंग नजर आते हैं, जिनके चेहरे पर आज भी वह सिग्नेचर स्माइल बरकरार है जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली थी, इसलिए तो आज भी इनके झलक देखकर हर एक शख्स इन्हें इसी फिल्म के लिए याद करता है। वहीं आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने के बाद कविश मजुमदार एक बार फिर से कमबैक कर चुके हैं फिल्म गोरी तेरे प्यार में से, पर इसमें भी ट्विस्ट है कि इन्होंने बतौर अभिनेता नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर वापसी की थी। इसके अलावा अभिनेता कविश मजुमदार मैं तेरा हीरो फिल्म में एक एक्टर के तौर पर काम करते हुए नजर आए थे और इन दिनों ये अपने करियर को बनाने के लिए बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि अभिनेता कविश मजुमदार ने अभी तक शादी नहीं रचाई है, ये फिलहाल सिंगल है और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको छोटे लड्डू यानी कि कविश मजुमदार का इस फिल्म में अभिनय कैसा लगा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।